नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके और हमारे इस प्यारे से लर्निंग प्रोग्राम सुपर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कल की क्लास में हमने थोड़ा सा साइंस से इंट्रोडक्शन करने की कोशिश की थी। आज हम लोग क्लास 11th का पहला चैप्टर एनसीईआरटी के बेस पर हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। और पहला चैप्टर जो है हमारा है फिजिकल वर्ल्ड, जिसे हिंदी में भौतिक जगत कहा जाता है। हिंदी में कहा जाता है भौतिक, इसके बाद जगत, इसे हम लोग भौतिक जगत कहते हैं, और अंग्रेजी में कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड। तो इस चैप्टर में मतलब कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं पढ़ाई जाएगी जो कि इसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें मिले जो आपको आगे काम करेगी या इसका कोई एनालिसिस मिलेगा। यह चैप्टर जो है इस वजह से केवल फिजिक्स में डाला गया है ताकि आपको फिजिक्स के प्रति थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ सके। आप फिजिक्स में देख कर घबराते हैं तो उससे थोड़ा सी घबराहट आपकी दूर हो सके। फिजिक्स में आपका इंटरेस्ट लगातार बना रहे, इस वजह से यह चैप्टर आपको क्लास 11th में डाला गया है। पहले नहीं हुआ करता था ये, जो है अब की बार फिजिकल वर्ल्ड जो है एनसीईआरटी के हिसाब से पहला चैप्टर डाला गया है। और इसमें ज़्यादातर क्या चीज़ें हैं, फिजिक्स कैसे चीज़ें दिखती है, फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें आपको क्लास 11th और 12th मिलाकर क्या क्या चीज़ें पढ़नी, उन सारी चीज़ों पर मुद्दे पर बात करने जाती है। ठीक है, खैर मैं बहुत देर न करते हुए अपने जो है टॉपिक पर आता हूँ। फिजिकल वर्ल्ड में पहले यह समझिए, जैसे आपको कल की क्लास में हमने बताया था जो फिजिक्स होती है, क्या होती है फिजिक्स जो होता है, इसका जो अर्थ होता है भाई वह होता है नेचर। फिजिक्स का अर्थ क्या होता है, नेचर। और नेचर में हम लोग क्या जानते हैं, प्रकृति। तो पहले के समय में मतलब फिजिक्स में केवल प्रकृति, प्राकृत मतलब जैसे बादल का बनने की प्रकृति, किसी भी चीज़ की बनने की प्रकृति के बारे में एनालिसिस करते थे, जो फिजिक्स की एक पुरानी डिफिनेशन हुआ करती थी। इसके कुछ दिनों के बाद जैसे द्रव्यमान, और यहाँ मैं लिख देता हूँ द्रव्यमान अर्थात द्रव्य की खोज हुई, इसके बाद कुछ दिनों के बाद ऊर्जा हुई। पहले के पुराने जो हमारे वैज्ञानिक हुआ करते थे, द्रव्य को अलग नज़रिए से देखते थे और ऊर्जा को अलग नज़रिए से देखते थे। द्रव्य क्या होता था कि वह पदार्थ जिसके अंतर्गत द्रव्यमान होता है, वह स्थान घेरने का गुण होता है, उसको हम लोग द्रव्य कहते थे। ठीक है, मतलब द्रव्य जो था वह पदार्थ था जो स्थान घेरता था, जो क्या करता था, स्थान इसके बाद घेरता था, स्थान घेरता था इसके बाद, अभी घेरता है भी आप लिख सकते हैं, घेरता है। और इसके पास जो होता है खुद का द्रव्यमान होता है। ठीक है, जिसके पास खुद का द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हुआ, द्रव्य कहलाता है। इसके जस्ट बाद जो ऊर्जा होती थी वह क्या कहलाती थी, कार्य करने की जो क्षमता है वो आपकी क्या कहलाती थी, ऊर्जा। ये अभी भी पुरानी डिफिनेशन थी बट अब भी इसका प्रचलन है, ऊर्जा क्या होता है, कार्य क्या था। तो पहले द्रव्य और ऊर्जा को जब अलग अलग निगाहों से लोग देखा करते थे, कुछ दिनों के बाद एक आइंस्टीन नाम के वैज्ञानिक आए, नाम आपने सुना होगा मुझे उम्मीद है, आइंस्टीन नाम के एक वैज्ञानिक आए। और उन्होंने क्या किया, एक समीकरण दिया, बहुत पॉपुलर समीकरण जिसे आप जानते हैं, E=mc2, जिसके आधार पर ये माना गया कि द्रव्य और ऊर्जा दोनों अलग अलग चीज़ नहीं है बल्कि एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में बदला जा सकता है, दोनों एक दूसरे के पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। अर्थात द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को किस में, द्रव्य में हम लोग बदल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से फिजिक्स की एक नई डेफिनेशन निकल कर आती है कि द्रव्य और ऊर्जा में परिवर्तन होने के लिए अन्योन्य प्रक्रियाएं होती हैं, उस प्रक्रियाओं के विषय में अध्ययन करने के लिए हमें जो विषय आता है हमारे पास, उस विषय का नाम हमारा क्या होता है, फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स की यहाँ से नई परिभाषा मिलती है बहुत कि द्रव्य और ऊर्जा परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और उनके बीच में अन्योन्य प्रक्रियाएं होती हैं, उन्हीं प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन करने के लिए हमारे पास जो सब्जेक्ट नाम की चीज़ आती है, उसका नाम है फिजिक्स। अब आप समझ गए होंगे, अब जो यह मॉडर्न फिजिक्स आई है, जो कौन सी फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है, उस मॉडर्न फिजिक्स के जो
फादर हैं वह आप कौन हैं, आप समझ गए होंगे, वह आपके कौन हैं, आइंस्टीन हैं, ठीक है, वह आपके कौन हैं, आइंस्टीन। अब यहाँ से सारी बातें आइंस्टीन के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। और फिर इसके बाद थोड़ा सा फिजिक्स का आपको ग्राफिकल जो है चार्ट आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ, ताकि आपको फिजिक्स समझने में बड़ा मदद मिले। पहली बात समझते हैं, जो फिजिक्स है वह दो मूल रूपों में बांटी गई है, ठीक है। पहले फिजिक्स का नाम क्या है, सुनिएगा ध्यान से, स्थूल फिजिक्स, स्थूल भौतिकी। पहली भौतिकी जो है दो भागों में बांटी गई है, स्थूल भौतिकी, जिसे अंग्रेजी में हम लोग माइक्रो, याद रखिएगा, माइक्रोस्कोपी, इसके बाद फिजिक्स, माइक्रोस्कोपी फिजिक्स कहते हैं, और हिंदी में इसे क्या कहते हैं, स्थूल भौतिकी। ये जो मतलब भौतिकी, ये भौतिक विज्ञान था, यह बहुत पुराने समय से चला आ रहा था, यह थोड़ा सा क्लासिकल है, इसे हम लोग प्राचीन समय से चले आ रहे ये मान्यताएं थी, इसलिए इसको हम थोड़ा सा क्लासिकल फिजिक्स भी कह सकते हैं। और जो हमारी दूसरी फिजिक्स है उसका नाम है स्थूल फिजिक्स, इसके बाद यह जो है सूक्ष्म, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सूक्ष्म भौतिकी, ठीक है, ये आपका सूक्ष्म भौतिकी हो गया। और सूक्ष्म भौतिकी को अंग्रेजी में जो कहते हैं माइक्रोस्कोपी, इसके बाद फिजिक्स, अंग्रेजी में कहते हैं माइक्रोस्कोपी फिजिक्स। और यह जो फिजिक्स है ये आपकी थोड़ी सी मॉडर्न है, ये आपकी कौन सी है भाई, मॉडर्न फिजिक्स है, या इसको कुछ लोग क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं, क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। यही फिजिक्स जो है आपको थोड़ा सा नवीनतम की ओर दर्शाती है। दूसरे फिजिक्स की कौन सी शाखा, फिजिक्स जो है मूल रूप से दो भागों में बांटी गई है, अच्छे से समझने के लिए, गहराई से एनालिसिस करने के लिए। फिजिक्स में पहला फिजिक्स आपका स्थूल भौतिकी है, जो थोड़ा सा क्लासिकल फॉर्म में यूज होती है, और उसको अंग्रेजी में हम लोग माइक्रोस्कोपी फिजिक्स कहते हैं। और फिजिक्स का जो दूसरा पार्ट है वह आपका सूक्ष्म भौतिकी, जिसे अंग्रेजी में माइक्रो फिजिक्स और कहते हैं, या इसे कुछ लोग मॉडर्न फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स के नाम से भी जानते हैं। आपके ऐसी शाखाएँ आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब स्थूल भौतिकी जो है, यह लगभग आपको बता दें कि स्थूल भौतिकी में 5 यूनिट होंगे आपके सामने, 5 यूनिट होंगे। थोड़ा सा काला हो गया बोर्ड, इसको मिटा देते हैं भाई। पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक, पहले स्थूल भौतिकी का जो पहला पार्ट है मैकेनिक्स, जिसे हिंदी में हम लोग यांत्रिकी कहते हैं। मैकेनिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं भाई, यांत्रिकी कहते हैं। और इसके बाद स्थूल भौतिकी का जो दूसरा पार्ट हमारा है वह ऑप्टिक्स, वो कौन चीज़ है भाई, ऑप्टिक्स, जिसे हिंदी में हम लोग प्रकाशिकी कहते हैं। इसके बाद तीसरा जो है वेव, तीसरा क्या हमारा, वेव मतलब तरंग, ठीक है। और जो चौथा है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। और इसके बाद जो पांचवा है हमारा है वह है थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो अब इसका वेव माने तरंग होता है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स हो गया, मतलब इलेक्ट्रिकल चीज़ें इसमें मिलेगी आपको, थर्मोडायनामिक्स उष्मा से रिलेटेड चीज़ें मिलेगी। अब इन चैप्टरों में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं, जैसे मैकेनिक्स वाला जो पार्ट है इसमें आपको क्या मिलेगा, जैसे ऊर्जा मिल गई, ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा के बाद आप पढ़ सकते हैं संवेग क्या होता है, संवेग के बाद आप पढ़ सकते हैं इसमें कार्य क्या है, इसके बाद बल क्या है, बल आघूर्ण क्या है, इसके बाद यहाँ दिख रहा होगा, अभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, बल आघूर्ण मिल गया, ऊर्जा संवेग कार्य बल आघूर्ण जड़त्व आघूर्ण वगैरह वगैरह, इसमें न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम ये आपका मिल जाएगा, गुरुत्वा
निष्कर्षण, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे ऐसे आपको बहुत सारी चीज़ें इसी प्रकार की चीज़ें जो है मैकेनिक्स में मिलती जाएंगी, ये ठीक है। इसके बाद जो दूसरा हमारा टॉपिक है ऑप्टिक्स, इसमें हमको प्रकाश से रिलेटेड हमको ये पढ़ना है कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के इसके बाद प्रकाश का गुण, प्रकाश के अंदर परावर्तन नाम की कौन सी चीज़ होती है उसको पढ़ेंगे हम लोग गहराई से। इसके बाद जो तीसरा होगा आपका अपवर्तन हो सकता है, इसके बाद आप कह सकते हैं इसमें जो है अपवर्तन के बाद आप कह सकते हैं व्यतिकरण नाम की कोई चीज़ है उसको क्या पढ़, क्या व्यतिकरण को कैसे पढ़ना है। इसके बाद आप कह सकते हैं विवर्तन नाम की क्या चीज़ होती है, इसके बाद आप कह सकते हैं ध्रुवण, इसके बाद आप कह सकते हैं प्रकाश वैद्युत, प्रकाश वैद्युत, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, मतलब ऑप्टिक्स में प्रकाश से रिलेटेड चीज़ें आपको मिलेंगी। और इसके बाद जो आपका वेव है, वेव मतलब होता है तरंग, इसमें आपको पढ़ना होगा तरंग क्या होता है, तरंग गति क्या है, तरंग गति क्या होती है। इसके बाद आप साथ ही ये भी सीखेंगे विक्षोभ क्या है, विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया तरंग गति कहलाती है, सरल आवर्ती गति क्या है, सरल आवर्ती इसके बाद गति, फिर इसके बाद प्रगामी तरंगे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे आगे बढ़ती चली जाएंगी। मतलब इसमें आपको समझ सकते हैं तरंग और तरंग से रिलेटेड चीज़ें आपको मिलेंगी, जैसे स्ट्रिंग क्या होता है, इसके बाद गर्त क्या होता है, आयाम क्या होता है, आयाम, फिर इसके बाद जो है तरंग दैर्ध्य क्या होता है, इन सारे मुद्दों पर हम लोग जो है इन्हीं सारे मतलब यूनिट में पढ़ते चले जाएंगे। ये आपकी पहली यूनिट है, ये आपकी दूसरी यूनिट है, ये आपकी तीसरी यूनिट है, और चौथी यूनिट का नाम भाई हमारा क्या है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। मतलब हमको इसमें पढ़ना है आवेश क्या है भाई साहब, ठीक है, इसमें हमको क्या पढ़ना है आवेश क्या है, चार्ज क्या होता है। इसके बाद हमको इसमें पढ़ना है कूलाम का नियम, आवेश के संदर्भ में कूलाम ने क्या बताया था कि दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल के बारे में बताया था, वो कैसे निकाला जाएगा और कैसे सारी चीज़ों को पढ़ा जाएगा, कूलाम का नियम जो है, कूलाम का नियम है, ठीक है। इसके बाद आप समझ सकते हैं कूलाम के नियम के बाद आपका आ जाएगा गॉस का नियम जो है, गॉस की प्रमेय कह सकते हैं, गॉस की प्रमेय हो सकती है। इसके बाद इसमें बायो सेवर्ट मिलेंगे, बायो सेवर्ट का नियम हो जाएगा, धारा क्या होती है, इसमें एसी धारा कौन सी धारा कहलाती है, इसके बाद डीसी करंट क्या होती है, धारा बायो सेवर्ट, इसके बाद आपको किरचॉफ अंकल मिल सकते हैं इसमें, ये देखिए आपके किरचॉफ का नियम हो जाएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी आपको मिलेगी, विभव क्या होता है, ठीक है, और इसमें संधारित्र क्या होता है, संधारित्र, बहुत सारी मतलब यूनिटों में बहुत सारे चैप्टर मिलेंगे जिसको आगे हम लोग वन बाय वन करके एक एक चीज़ें पढ़ेंगे। अब साथ ही समझ लेते हैं ये थर्मोडायनामिक्स क्या चीज़ होती है, थर्मोडायनामिक्स मतलब ताप, इसके बाद आप समझ सकते हैं उष्मा, और उष्मा से रिलेटेड उष्मा गतिकी, उष्मा उष्मा गति कैसे करती है, उसके नियम, गति के नियम आप पढ़ सकते हैं उष्मा गतिकी के नियम में। और इसके बाद आप पढ़ सकते हैं इसमें आते हैं कैलोरी, इसमें आप कैलोरी मिति का, कैलोरी मिति का सिद्धांत आता है, फिर ऊर्जा संचरण, ऊर्जा संचरण की प्रक्रिया आ जाएगी, ऊर्जा संचरण की प्रक्रियाएँ आ जाएंगी। मतलब थर्मोडायनामिक्स में ताप उष्मा ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और आप देख सकते हैं इसमें मैकेनिक्स जो हो गया, या मैकेनिक्स हो गया, इसके बाद वेव हो गया, इसके बाद ये थर्मोडायनामिक्स अर्थात जो विषम स्थानों पर है, एक तीन, और इसके बाद ये आपका हो गया पाँच, ये जो विषम स्थानों पर है ये आपको क्लास इलेवेंथ में इस चैप्टर को डाला गया है, ठीक है भाई साहब। फिजिक्स में आप मैकेनिक्स, वेव,
इसके बाद थर्मोडायनामिक्स मिला के, ये तीन यूनिट मिला के ये आपको बना दी क्लास 11th में पढ़ना है। और इसमें ये जो सम स्थानों पर आया है जिसे हम ऑप्टिक्स कहते हैं और एक होता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ये आपको दोनों को मिलाकर, ये दोनों मिलाकर आपको क्लास 12वीं में पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद ये मैकेनिक्स, वेव, थर्मोडायनामिक्स आपको 11th में शुरुआत होगी। आप समझ सकते हैं मैकेनिक्स में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, ऊर्जा, संवेग, कार्य बल, आघूर्ण, गुरुत्वाकर्षण, जितने बल होते हैं, ऊर्जाएं होती हैं, और संवेग क्या होता है, बल आघूर्ण क्या होता है, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। मतलब मैकेनिक्स में, मैकेनिक्स एक यूनिट का नाम है और इस यूनिट में बहुत सारी चैप्टर्स हैं, उस चैप्टरों को वन बाई वन करके, एक एक करके बहुत बढ़िया से हम लोग क्लियरली एनालिसिस करने वाले हैं। इसके बाद जो दूसरा हमारा फिजिक्स स्थूल भौतिकी का आता है वह ऑप्टिक्स, जिसे हिंदी में हम लोग प्रकाश की कहते हैं, जिसमें हम लोग प्रकाश के गुण और प्रकाश से रिलेटेड चीज़ों को आगे एनालिसिस करते हैं, जैसे प्रकाश क्या होता है, प्रकाश में परावर्तन का गुण कैसे पाया जाता है, उससे रिलेटेड चीज़ें क्या होती हैं, गुण होता क्या है, इससे रिलेटेड हमको क्या फ़ायदा होता है उसको पढ़ते हैं। इसके बाद अपवर्तन क्या होता है और अपवर्तन से रिलेटेड घटनाएं और वह हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से उपयोगी है उससे पढ़ेंगे। व्यतिकरण क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, ध्रुवण, हालांकि कक्षा 10वीं तक प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की हल्की सी जानकारी आपने कंजर्वेटिव फोर्स में लिए होगी, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा इंटरमीडिएट में इसको थोड़ा सा ब्रॉड लेवल में जानकारी लेना है। और ये आप देख ही सकते हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स हो गया जो कि क्लास 12th में मिलेगा, थर्मोडायनामिक्स, वेव, मैकेनिक्स ये 11th में मिलेगा। एक मतलब हमारा मॉडर्न फिजिक्स सूक्ष्म भौतिकी, जिसको हम लोग माइक्रो फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, वो हमारा छूट रहा है। इसमें भाई बता रहे हैं कि दो यूनिट हैं, एक आपका यहाँ दिख रहा है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इधर लिख रहा हूँ, यहाँ पहली यूनिट का नाम है परमाणु भौतिकी, परमाणु इसके बाद भौतिकी, और परमाणु भौतिकी को अंग्रेजी में कहते हैं एटॉमिक फिजिक्स, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे परमाणु भौतिकी में, आप जानते हैं कि जो पदार्थ होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, उन छोटे छोटे कणों के अंदर नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बाहर वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर क्यों लगाते हैं, उनके बीच में बल लगता है, और बल कहाँ से आता है, कितना लगता है, इससे रिलेटेड बहुत छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी अध्ययन करेंगे, जिसका नाम होगा हमारा परमाणु भौतिकी। इसके ही अंतर्गत एक और हमारी यूनिट अलग जाएगी जिसका नाम है नाभिकीय भौतिकी, जिसे हम लोग न्यूक्लियस फिजिक्स अंग्रेजी में कहते हैं, न्यूक्लियस फिजिक्स। न्यूक्लियस फिजिक्स में क्या होता है, जैसे आप देखे होंगे कि जैसे एक परमाणु जो होता है दो हल्के हल्के नाभिकों में टूट जाता है, दो हल्के हल्के नाभिक मिलकर एक बड़े भारी नाभिक का निर्माण कर लेते हैं, वो जैसे आप पर नाभिकीय संलयन हो गया, नाभिकीय विखंडन हो गया, हाइड्रोजन बम हो गया और परमाणु बम हो गया, इन सारी चीज़ों को इसमें पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और ये परमाणु भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, ये दोनों क्लास 12th में डाले गए, अर्थात क्लास 12th में एक यूनिट, दो यूनिट, इसके बाद तीन, इसके बाद चार, ये चारों यूनिट को क्लास 12th में सेकेंड फिजिक्स में और फर्स्ट फिजिक्स और सेकेंड फिजिक्स दोनों को मिला के बनाया गया है, ठीक है। और आप देख सकते हैं जिसमें इसमें प्रकाश में आप इसी में साथ ही पढ़ सकते हैं सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी यंत्र बहुत सारे जो होते हैं, इस सारी बातों को जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से इस चार्ट की मदद से हम लोग पूरी कोशिश ये करेंगे कि फिजिक्स आखिर दिखता क्या है, एक बार फिर से मोटे तौर पर बस सरसरी निगाहों से सारी बातों को रिपीट करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले दिन किसी अगले चैप्टर के साथ मुलाकात करेंगे। आप देखते हैं भौतिक जगत जो होता है, फिजिकल वर्ल्ड जो होता है, इसमें फिजिक्स क्या होता है, ये चीज़ें पहले पढ़ेंगे। फिजिक्स जो पहले हम मानते थे, फिजिक्स माने होता है नेचर, किसी वस्तु के प्रकृति के बारे में अध्ययन करना, जैसे बादल की प्रकृति कैसी है, बरसना की प्रकृति कैसी है, पदार्थ बना है इसकी प्रकृति क्या है, ये मार्कर है इसकी प्रकृति क्या है, इसके बारे में गहराई से एनालिसिस करने के लिए हम लोग पहले से प्रकृति के बारे में अध्ययन करते। लेकिन जब आइंस्टीन
द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच अन्योन्य प्रक्रियाओं होने वाले अन्योन्य प्रक्रियाओं के विषय में जब अध्ययन किया तो बताया ये दोनों एक दूसरे से परस्पर निर्भर हैं। तो उसके संदर्भ में फिजिक्स की एक नई परिभाषा मिल गई कि द्रव्य और ऊर्जा के बीच में होने वाले अन्योन्य प्रक्रियाओं के विषय में जब हम अध्ययन करते हैं उस विषय का नाम हो जाता है हमारा फिजिक्स। ठीक है, और यह फिजिक्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक आपका पहला आता है स्थूल भौतिकी, जिसे हम लोग माइक्रोस्कोपी फिजिक्स या थोड़ा सा हम इसको क्लासिकल फिजिक्स में डाल देते हैं, क्योंकि ये फिजिक्स पहले से प्राचीन समय से चलती आ रही है। और दूसरा है हमारा सूक्ष्म भौतिकी, जिसे अंग्रेजी में हम लोग माइक्रोस्कोपी फिजिक्स कहते हैं, और इसे बाद में मॉडर्न फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स की संज्ञा भी दी गई है। ठीक है, ये जो स्थूल भौतिकी भाई, इसमें जो है 5 यूनिट आपको देखने को मिल जाएंगे मोटे तौर पर। ये मैकेनिक्स है, इसके बाद ऑप्टिक्स है, वेव है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स है जो वेव्स कह देते हैं, इसके बाद थर्मोडायनामिक्स है। मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स मतलब होता है यांत्रिकी, मैकेनिक्स मिस होता है यांत्रिकी, और ऑप्टिक्स मिस होता है प्रकाश की, ऑप्टिक्स मिस होता है प्रकाश की, वेव्स मिस होते हैं तरंगे, और इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स मतलब हो सकता है आपका क्या बोलते हैं वैद्युतकी, और थर्मोडायनामिक्स हो गया ऊष्मा गतिकी। ठीक है, और मैकेनिक्स में ऊर्जा, संवेग, कार्य बल, आघूर्ण, गुरुत्वाकर्षण बल वगैरह, इन सारी चीज़ों के बारे में जो मोटे तौर पर हम लोग जानते थे, और आगे और किसी कितनी गहराई से हमको जानना है इस विषय में बात करें। ऑप्टिक्स प्रकाश, प्रकाश के गुण, प्रकाश से रिलेटेड सारी चीज़ें, वेव, तरंग, तरंग गति, विक्षोभ, तरल आवर्त गति, श्रृंगार, उससे रिलेटेड बहुत सारी परिभाषा और हमारे दैनिक जीवन में उपयोगिता, उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आवेश क्या है, आवेश के संदर्भ में कुलाम ने नियम जो दिया है, गॉस, बायो सेवर्ट, धारा, किरचॉफ्स लॉ, विभव, संधारित, इस सारी चीज़ों के बारे में हम लोग काफ़ी एनालिसिस करने वाले। थर्मोडायनामिक्स ऊष्मा गतिकी, इसमें ऊष्मा से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। एक सूक्ष्म भौतिकी में केवल दो यूनिट आता है, परमाणु भौतिकी, दूसरा नाभिकीय भौतिकी, एटॉमिक फिजिक्स और नाभिकीय फिजिक्स। इस फिजिक्स में हम लोग छोटे छोटे परमाणुओं के अंदर होने वाली अन्योन्य क्रियाओं के बारे में बहुत सारा अध्ययन करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये सारी चीज़ें आपको इंटरेस्ट दिलाएंगी फिजिक्स में पढ़ने के लिए। उम्मीद है कि यह छोटा सा टॉपिक आपको, यह छोटा सा विषय, यह छोटा सा सेशन जो है आपको फिजिक्स को समझने के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल करेगा, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। इसके बाद हम लोग अगले दिन जो है क्या बोलते हैं मेजरमेंट एंड मापन, मेजरमेंट और थोड़ा सा उसके यूनिट पर बात करेंगे जो अगला चैप्टर है। तो मेरे साथ बने रहिएगा, आपको वन बाय वन करके सारे फिजिक्स के एक एक चैप्टर डेली बाय डेली आपको एनालिसिस कराते रहेंगे, और मौका मिलेगा तो लाइव सेशन में जुड़ के सीधा प्रश्न को साझा करने का संबंध बनाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।